आज मैं आपको देसी घी बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया में प्रोडक्शन कम है मिल्क का और कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए नकली घी खाने से आप सबको बचना चाहिए। घी बनाना बहुत ही इजी है और सिंपल है। उसके लिए आपके घर में जो दूध आता है, आप उसे अच्छे से बॉयल कीजिए। बॉयल करने के बाद उसकी, क्योंकि ये गाय का घी है, इसे हम 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी और इसे मैं किसी जाली से ढक दूंगी, जिससे इसमें कोई कूड़ा कीड़ा वीड़ा ना गिरे। अब ये जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसे फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, तो इसमें बहुत अच्छी मलाई जम जाएगी। इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैं आपको अपने पहले से रात में रखा हुआ दूध दिखाती हूँ फ्रिज में। ये मैंने पहले से दूध रात में फ्रिज में रख रखा है, इसे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस पे कितनी अच्छी मलाई आई है। इस मलाई को हम बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। देखिए ये गाय का दूध है और इस पे कितनी अच्छी मलाई आई है। ऐसी चीज़ से आप खुरचेंगे जिससे आपकी सारी मलाई जो शार्प एजेस की हो। देखो मैंने पहले से 2-3 दिन की मैं मलाई का कलेक्शन कर लेती हूँ, मैंने पहले से कर रखी है। मैं इस मलाई को भी उसी के अंदर इस तरह से कर लूँगी। आप भी इसी तरीके से अपनी मलाई को, 2-3 दिन की मलाई देखो मेरी कितनी अच्छी आती है गाय के दूध की। मैंने इसे सेपरेट कर लिया। इस दूध को मैं चाय के लिए, दही के लिए यूज़ करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ, इस मलाई को आप अपने फ्रीजर में 2-3 दिन कंजप्शन कर रख सकते हैं। फिर मैं इसे निकाल कर इसमें दही लगाकर रात में रख देती हूँ घी बनाने से पहले। सुबह मॉर्निंग में जैसे मैं आज उठी हूँ, उसे निकालती हूँ और निकालने के बाद मैं उसको इस किसी बड़े बर्तन में लेके, क्योंकि मेरे पे बहुत सारी मलाई होती है, उसे फिर मैं ऐसे करके मक्खन निकालती हूँ। मक्खन निकालने के लिए इसमें आजकल जैसे जल्दी से 2 मिनट लगते हैं और मक्खन निकल कर रेडी हो जाता है। देखिए आपके सामने अभी मैं मक्खन निकाल कर दिखाती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है, और ठंडा पानी मिलाने से जब बहुत जल्दी निकलता है। देखिए आपके सामने सामने अभी मेरे पास फ्रेश मक्खन बटर निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप भी अपने घर पे घर का मक्खन यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो ये बहुत जल्दी निकल जाता है, बच्चों को भी बड़ा टेस्टी लगता है। ये देखिए कितना अच्छा मक्खन निकलता आ रहा है। देखिए आप खुद देखिए मैंने कितनी जल्दी ये आपके सामने सामने ये सब काम करा। अब ये देखिए इसी तरह आप भी अगर इसमें इसे चाहें, ये पराठे के साथ फ्रेश मक्खन बटर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखिए मैंने सारा बटर निकाल लिया है। अब हम इसे सेपरेट करेंगे। इसे सेपरेट करके हम पानी में धोएंगे, धो के हम इसका घी निकालेंगे। आप लोग देख ही रहे होंगे कितना बढ़िया घी, मैंने कितना अच्छा दानेदार घी निकलता आ रहा है। इसे घी को देखकर तो आपका भी मन कर रहा होगा खाने को। हमारे यहाँ इसे नोनी घी भी कहते हैं। अब आप देखिए मैं इसे कैसे निकालती हूँ। अभी इसे धोकर एकदम फ्रेश बनाकर आपको दिखाती हूँ। एक बहुत ईजी होता है बनाना। देखिए कितना बढ़िया घी निकल कर आया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस घी को हम ठंडे पानी में डालेंगे। देखिए मैंने एक भगोना लिया है, उसमें ठंडा ठंडा पानी डाला है, उसमें मैं इस घी को धोऊंगी। एक सेकंड देखिएगा आप ये घी कैसा निकल कर आया, मैं पहले आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मक्खन निकल कर आ रहा है। देखो फ्रेंड्स कितना शानदार घी आप सबके सामने तैयार हो गया। देखिए एकदम फ्रेश घी। ये घी कम से कम 2 किलो घी होगा। थोड़े से समय में इस घी को आपने अपने अच्छे तरीके से बना लिया। धन्यवाद।